हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है इस वीडियो सीरीज में हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा इस सीरीज का सेट नंबर ग्यारह है और इस सेट में हम एसेंशियल डिजिटल स्किल्स मॉड्यूल के क्वेश्चंस पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में टोटल 100 क्वेश्चन है तथा इस वीडियो में पच्चीस क्वेश्चन होंगे तथा इस मॉड्यूल को चार वीडियोज में पूरा करा जाएगा तो सभी वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहें मेरे चैनल ओल्ड स्कूल में आपका स्वागत है तो आइए अब बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है इफ वन कैन यूज अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली इट इज लिटरेसी यानी कंप्यूटर और इंटरनेट का सुखद रूप से उपयोग कर सकता है इसे कहते हैं इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन स्पोर्ट्स लिटरेसी यानी खेल ज्ञान ऑप्शन बी डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता ऑप्शन सी कल्चरल लिटरेसी यानी सांस्कृतिक साक्षरता ऑप्शन डी लैंग्वेज लिटरेसी यानी भाषा साक्षरता इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता हमारा अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी यानी निम्नलिखित कार्यों में से किसमें हमें डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता होती है इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन अ फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन यानी ऑनलाइन जानकारी खोजना ऑप्शन बी क्रिएटिंग अ रिज्यूम यानी एक रिज्यूमे बनाना ऑप्शन सी कम्युनिकेशन थ्रू ई यानी ई के माध्यम से संचार ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अब यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन विदाउट द हेल्प ऑफ द इंटरनेट यानी निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट के सहायता के बिना किया जाता है इसके ऑप्शन है ऑप्शन कुकिंग यानी खाना पकाना ऑप्शन बी सर्चिंग ऑनलाइन जॉब्स यानी ऑनलाइन नौकरियां खोजना ऑप्शन सी वॉचिंग वीडियोज यानी वीडियो देखना ऑप्शन डी क्रिएटिंग अ डिजिटल रिज्यूम यानी डिजिटल रिज्यूम बनाना इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ कुकिंग यानी खाना पकाना हमारा अगला क्वेश्चन है कृष्णा इज अ टीचर ही वॉन्ट्स टू कंडक्ट क्लासेज ऑनलाइन। व्हिच विच ऑफ दीज डिवाइसेज कैन ही यूज यानी कृष्णा एक शिक्षक है वह ऑनलाइन कक्षाएं कॉन्डक्ट करना चाहता है उनमें से कौन सा उपकरण उसे प्रयोग कर सकता है इसके ऑप्शंस हैं Option A computer, yani computer. Option B laptop, yani laptop. Option C tablet, yani tablet. Option D all of the above, yani uprokt sabhi. Is question ka sahi answer hai option D all of the above, yani uprokt sabhi. Hamara agla question hai. Salim needs to talk about digital skills that are required at work. Which of these works needs digital skills? यानी सलीम को काम पर आवश्यक डिजिटल कौशलों के बारे में बात करनी है इनमें से कौन सा काम डिजिटल कौशलों की आवश्यकता है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अ कम्युनिकेटिंग थ्रू ईमेल्स एंड चैट यानी ईमेल और चैट के माध्यम से संचार ऑप्शन बी क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एंड वर्कशीट्स यानी दस्तावेज और, और वर्कशीट्स बनाना और संपादित करना ऑप्शन सी क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट्स यानी वर्कशीट्स बनाना और संपादित करना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है इसके ऑप्शन है ऑप्शन मॉनिटर यानी मॉनिटर ऑप्शन बी एंटेना यानी एंटीना ऑप्शन सी वेब कैमरा यानी वेब कैमरा ऑप्शन डी माउस यानी माउस इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी एंटेना यानी एंटीना हमारा अगला क्वेश्चन है वट इज सीपीयू स्टैंड फॉर यानी सीपीयू का क्या मतलब है इसके ऑप्शन है ऑप्शन अ कॉस्ट पर यूनिट यानी यूनिट प्रति लागत ऑप्शन बी सेंट्रल पावर यूनिट यानी केंद्रीय शक्ति इकाई ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई ऑप्शन डी कटिंग पावर यूनिट यानी कटिंग शक्ति इकाई इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई हमारा अगला क्वेश्चन है वट इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है इसके ऑप्शंस है ऑप्शन वेब कैमरा यानी वेब कैमरा option b trackpad yani trackpad option c monitor yani monitor option d central processing unit yani kendriya processing ikai is question ka sahi answer hai option d central processing unit yani kendriya processing ikai hamara agla question hai safina wants to talk to her friend on a video call which of the following is necessary in a desktop computer यानी सफीना अपने दोस्त से वीडियो कॉल पर बात करना चाहती है निम्नलिखित में से कौन सा एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में आवश्यक है इसके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन अ डॉट ट्रैकपैड यानी ट्रैकपैड ऑप्शन बी रिमोट यानी रिमोट ऑप्शन सी प्रिंटर यानी प्रिंटर ऑप्शन डी वेब कैमरा यानी वेब कैमरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी वेब कैमरा यानी वेब कैमरा हमारा अगला क्वेश्चन है रश्मि जस्ट फॉर अ न्यू लैपटॉप सिंस हर कंप्यूटर स्टाफ वर्किंग विच फॉर द लैपटॉप द सेम फंक्शन एज द माउस यानी रश्मि ने अपने कंप्यूटर का काम नहीं करने के कारण एक नया लैपटॉप खरीदा लैपटॉप का कौन सा हिस्सा माउस के समान कार्य करता है इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन अ पैड यानी पैड ऑप्शन बी स्पीकर्स यानी स्पीकर्स ऑप्शन सी कीबोर्ड यानी कीबोर्ड ऑप्शन डी डेस्कटॉप यानी डेस्कटॉप इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ट्रैकपैड यानी ट्रैकपैड हमारा अगला क्वेश्चन है वॉर यूजिंग अ डेस्कटॉप कंप्यूटर वेयर इज द पावर बटन यूजुअली प्रेजेंट यानी एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग करते समय बिजली का बटन सामान्यतः कहा होता है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए ऑन द कीबोर्ड यानी कीबोर्ड पर ऑप्शन बी ऑन द सीपीयू यानी सीपीयू पर ऑप्शन सी ऑन द स्पीकर यानी स्पीकर पर ऑप्शन डी ऑन द माउस यानी माउस पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ऑन द सीपीयू यानी सीपीयू पर हमारा अगला क्वेश्चन है देश इज द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर यानी डिश कंप्यूटर को बंद करने के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला शब्द है इसके ऑप्शन है ऑप्शन हैंग अप यानी ताली बजाना ऑप्शन बी स्विच ऑन यानी चालू करें ऑप्शन सी शट डाउन यानी बंद करें ऑप्शन डी पावर ऑन यानी पावर ऑन इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शट डाउन यानी बंद करें हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ यानी निम्नलिखित में से कौन से डिवाइस ब्लूटूथ का उपयोग करके कनेक्ट किए जा सकते हैं इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन माउस यानी माउस ऑप्शन बी इयरफोन्स यानी इयरफोन ऑप्शन सी स्पीकर्स यानी स्पीकर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव यानी उपर्युक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दब यानी उपर्युक्त सभी हमारा अगला क्वेश्चन है ट्स टू कनेक्ट डिवाइस वायरलेसलीट कंप्यूटर विच टेक्नोलॉजी किन ही यूज यानी सोनू एक डिवाइस को कंप्यूटर से वायरलेस रूप से कनेक्ट करना चाहता है वह कौन सी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकता है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अ ब्लूटूथ यानी ब्लूटूथ ऑप्शन बी वायर यानी तार ऑप्शन सी स्विचेस यानी स्विच ऑप्शन डी यूएसबी यानी यूएसबी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ब्लूटूथ यानी ब्लूटूथ हमारा अगला क्वेश्चन है राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट इयरफोन्स यूजिंग ब्लूटूथ वो कैन डू यानी राजेश को नहीं पता कि ब्लूटूथ का उपयोग करके ईयरफोन कैसे कनेक्ट किया जाए वह क्या कर सकता है इसके ऑप्शंस है ऑप्शन यूज गूगल सर्च यानी गूगल सर्च का उपयोग करें ऑप्शन बी थ्रो अवे द इयरफोन्स यानी ईयरफोन को फेंक दें ऑप्शन सी परचेस न्यू ईयरफोन्स यानी नए ईयरफोन खरीदे ऑप्शन डी सेल द इयरफोन्स यानी ईयरफोन को बेचें इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन यूज गूगल सर्च यानी गूगल सर्च का उपयोग करें हमारा अगला क्वेश्चन है डेश इज द सॉफ्टवेयर दैट इज फुट इन अ कंप्यूटर सो दैट वन कैन यूज इट यानी देश एक कंप्यूटर में डाला जाने वाला सॉफ्टवेयर है ताकि एक व्यक्ति इसका उपयोग कर सके इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर ऑप्शन सी एप स्टोर यानी एप स्टोर ऑप्शन डी सेटिंग्स यानी सेटिंग्स इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अगला क्वेश्चन है Which of the following is the most common operating system? यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे सामान्य है इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन प्रिंटर यानी प्रिंटर ऑप्शन बी ओम्स ऑफिस यानी एमएस ऑफिस ऑप्शन सी राउटर यानी राउटर ऑप्शन डी विंडोज यानी विंडोज इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विंडोज यानी विंडोज हमारा अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म फॉर ओएस यानी ओ एस का पूरा नाम क्या है इसके ऑप्शन है ऑप्शन अ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन बी ओपनिंग स्क्रीन यानी ओपनिंग स्क्रीन ऑप्शन सी ओपनिंग सॉफ्टवेयर यानी ओपनिंग सॉफ्टवेयर ऑप्शन डी ओरिजिनल सिस्टम यानी मूल सिस्टम इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अगला क्वेश्चन है रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ विंडोज इज इंस्टॉल्ड ऑन हर लैपटॉप हाउ कैन शी आइडेंटिफाई द वर्जन यानी रिया को नहीं पता कि उसके लैपटॉप में कौन सा संस्करण का विंडोज इंस्टॉल किया गया है वह संस्करण को कैसे पहचान सकती है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अनइंस्टॉलिंग द विंडोज यानी विंडोज को अनइंस्टॉल करके ऑप्शन बी बाय लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन यानी ओपनिंग स्क्रीन देखकर ऑप्शन सी बाय शटिंग डाउन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर को बंद करके ऑप्शन डी बाय रीइंस्टॉलिंग द विंडोज यानी विंडोज को फिर से इंस्टॉल करके इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बाय लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन यानी ओपनिंग स्क्रीन देखकर हमारा अगला क्वेश्चन है नैन वॉन्ट्स टू सर्च फॉर अ फाइल क्विकली विच फीचर कैन ही यूज यानी नैन एक फाइल को तेजी से खोजना चाहता है वह कौन सी सुविधा का उपयोग कर सकता है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अ क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च यानी यहां खोज करें पर क्लिक करें ऑप्शन बी प्ले स्टोर यानी प्ले स्टोर ऑप्शन सी स्टार्ट यानी स्टार्ट ऑप्शन डी ब्लूटूथ यानी ब्लूटूथ इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च यानी यहां खोज करें पर क्लिक करें हमारा अगला क्वेश्चन है ऑन अ कंप्यूटर अ फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दीज एप्लीकेशंस यानी कंप्यूटर पर फाइल किस एप्लीकेशन का उपयोग करके बनाई जा सकती है इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अदम्स वर्ड यानी एमएस वर्ड ऑप्शन बी ओम्स एक्सेल यानी एमएस एक्सेल ऑप्शन सी एम्स पावर पॉइंट यानी एमएस पावर पॉइंट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी हमारा अगला क्वेश्चन है वट इज द शॉर्ट की सेव यानी फाइल को सहेजने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एस, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्स ऑप्शन सी कंट्रोल वी ऑप्शन डी कंट्रोल फॉर्स्फी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ कंट्रोल प्लस एस हमारा अगला क्वेश्चन है वट इज द शॉर्ट ही दखापी फाइल, यानी फाइल कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है इसके ऑप्शंस है ऑप्शन अ कंट्रोल प्लस सी यानी कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस एक्स यानी कंट्रोल प्लस एक्स ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस एस यानी कंट्रोल प्लस एस ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस पी यानी कंट्रोल प्लस पी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन अ कंट्रोल प्लस सी यानी कंट्रोल प्लस सी हमारा अगला क्वेश्चन है निमल वॉन्ट्स टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन हर लैपटॉप विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू डू सो यानी निमल अपने लैपटॉप पर फाइलें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना चाहती है ऐसा करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन अ क्लिक ऑन पावर ऑफ बटन यानी पावर बंद बटन पर क्लिक करें ऑप्शन बी सिलेक्ट दी फाइल प्रेस कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट इट यानी फाइल का चयन करें कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी दबाएं ताकि इसे पेस्ट कर सकें ऑप्शन सी क्लिक ऑन एस्केप बटन यानी एस्केप बटन पर क्लिक करें ऑप्शन डी क्लिक ऑन बैकस्पेस बटन यानी बैकस्पेस बटन पर क्लिक करें इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सिलेक्ट फाइल प्रेस कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट इट यानी फाइल का चयन करें कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी दबाएं ताकि इसे पेस्ट कर सकें आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्रूप वॉन्ट्स टू सेव कार द इन्फॉर्मेशन ऑन अर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेफ टू सेव इन्फॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर यानी कृपा अपने सिस्टम पर जानकारी की सुरक्षा करना चाहती है निम्नलिखित में से कौन से सुरक्षित तरीके हैं कंप्यूटर पर जानकारी को सहेजने के लिए इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए सेट अ स्ट्रांग पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर यानी अपने कंप्यूटर के लिए एक मजबूत पासवर्ड सेट करें ऑप्शन बी ऑलवेज क्लोज यानी लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट यानी जब आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो हमेशा अपने कंप्यूटर को यानी लॉक करें ऑप्शन सी सेव योर फाइल्स विद अ क्लियर नेम यानी अपनी फाइलों को स्पष्ट नाम के साथ सहेजें ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबाव यानी उपरोक्त सभी आज के लिए बस इतना ही वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कृपया चैनल को लाइक शेयर Tata subscribe Karnaabhule. Thank you all for your love and support.